आगे बढ़े इस वक्त की एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मामले में आज का दिन अहम है क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज इसको लेकर सुनवाई होने वाली है। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में दोपहर 2 बजे का वो वक्त होगा जब इस मामले की सुनवाई की जाएगी और सर्वे की टीम के नाम और तारीख पर इसको लेकर फैसला किया जाएगा। हाईकोर्ट ने 14 दिसंबर को पिछली सुनवाई पर श्री कृष्ण विराजमान की ओर से दाखिल अर्जी मंजूर कर ली थी और जिस पर अदालत में दोनों पक्षों की बहस होने वाली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज होने वाली सुनवाई में तय होगा कि कोर्ट कमिश्नर की टीम में कितने सदस्य होंगे और जो सर्वे है वो आखिर किया कैसे जाएगा। इसीलिए दोपहर 2 बजे का आज इंतजार करना होगा। इसको लेकर आज सर्वे का तरीका क्या रहेगा वो बहुत खास होने वाला है। ये इसके बाद तय हो सकता है। जो दोनों पक्ष है वो आज अपनी अपनी दलील रखेंगे, बहस करने वाले हैं। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि केस में आज का दिन बहुत अहम है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दोपहर 2 बजे का वो वक्त होगा जब सुनवाई होगी। आज सर्वे का तरीका तय हो जाएगा। इसके अलावा इस कोर्ट कमिश्नर की टीम में सदस्य आखिर कितने होने वाले हैं ये भी यहाँ पर तय हो जाएगा और इसीलिए इस पूरे मामले को लेकर आज का दिन बहुत खास है। 2 बजे का, हालांकि दोपहर 2 बजे तक का इंतजार इसमें करना होगा। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर आज अहम सुनवाई होने वाली है और आज सुनवाई में आखिर क्या क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, ये अब जरा आपको और विस्तार से बताते हैं। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में दोपहर 2 बजे का वो वक्त होगा जब इस मामले पर सुनवाई होगी और इसी सुनवाई में सर्वे से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा होने वाली है। हाईकोर्ट में आज दोनों पक्षों की बहस होगी। कोर्ट कमिश्नर से सर्वे पर सुनवाई होने वाली है। सर्वे का तरीका इसके बाद क्या रहने वाला है ये इसके बाद तय हो सकता है और ये सबसे अहम है। बहस के बाद ये तय होगा कि कौन कौन कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए जाते हैं। सर्वे टीम पर फैसला आएगा इसकी संभावना इसके बाद जाहिर की जा रही है। हालांकि थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। न्यूज 18 इंडिया सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा जब इस सुनवाई शुरू हो जाएगी और उसके बाद कोर्ट के अंदर क्या कहा जाता है उस पर भी हमारी नजर रहेगी। ये बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं और इसमें सर्वे टीम पर आज फैसले की संभावना जाहिर की जा रही है। कोर्ट कमिश्नर की टीम में कितने सदस्य होंगे और कैसे सर्वे किया जाना है सब कुछ आज सामने आ जाएगा। आपको यह भी बता दें कि इसमें बहस होने वाली है और सर्वे का तरीका सबसे खास है। कोर्ट कमिश्नर से सर्वे पर ये सुनवाई होने वाली है और हाईकोर्ट में चुके आज 2 बजे का वो वक्त है जब दोनों पक्षों की बहस होने वाली है और इसका इंतजार लंबे समय से कई लोगों की तरफ से किया जा रहा था। इसीलिए आज की सुनवाई अब भविष्य को लेकर बहुत कुछ यहां से तय कर सकती है। इसीलिए माना यह जा रहा है कि जब सर्वे का तरीका तय हो जाएगा, सर्वे कैसे होना है, कोर्ट कमिश्नर की जो टीम है उसमें कितने सदस्य शामिल होंगे और कैसे सर्वे किया जाएगा, ये सब कुछ आज साफ होने वाला है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको दे दूं, ज्ञानवापी मामले में आज एसआई अपनी रिपोर्ट दाखिल कर सकता है, ये जानकारी मिल रही है। वाराणसी की जिला अदालत ने पिछली सुनवाई में एसआई को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की वैज्ञानिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जमा कराने को कहा था और इसी के लिए कोर्ट से 1 सप्ताह का समय दिया गया था। आज कोर्ट में इसे लेकर दोपहर 12 बजे सुनवाई होगी जिसमें एएसआई अपनी रिपोर्ट दाखिल कर सकता है ये माना जा रहा है और इसीलिए आज ये बहुत खास हो जाता है। इससे पहले आपको बता दें कि सर्वे एएसआई ने किया था और कोर्ट में जो रिपोर्ट है बाकायदा उसको दाखिल करने के लिए समय दिया गया था। ऐसे में अभी माना जा रहा है कि जब दोपहर 12 बजे का समय होगा, जब सुनवाई होगा, तो अपनी रिपोर्ट एएसआई इसमें दाखिल कर सकता है, वैज्ञानिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जमा कर सकती है एएसआई की टीम, ये इस वक्त माना जा रहा है और इसको लेकर भी दोपहर का इंतजार करना होगा। लेकिन आपको ये भी बता देते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे का जो परिसर है उसका सर्वे एएसआई ने किया है और जिसे वो आज माना जा रहा है कि कोर्ट में दाखिल कर सकती है। ज्ञानवापी मस्जिद गौरी श्रृंगार मंदिर विवाद में 5 महिलाएं ऐसी जिन्होंने याचिका दायर की और पूजा की अनुमति मांगी थी और दावा यह किया गया था कि मस्जिद के वजू खाने में शिवलिंग है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष के इस दावे से साफ इनकार कर दिया, खंडन कर दिया। अब शुरुआत से भी आपको बताते हैं कि ये शुरुआत कैसे हुई है। सबसे पहले साल 1991 में ज्ञानवापी मस्जिद पर हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया गया था। हिंदू पक्ष ने वाराणसी कोर्ट में याचिका दायर कर बाकायदा ज्ञानवापी में पूजा पाठ की इजाजत मांगी थी और उसके बाद क्या होता है, हाईकोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया और इस हवाला देते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी कर दिया था। 2021 में फिर 5 महिलाओं ने याचिका दायर की और श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना हर दिन दर्शन पूजन की अनुमति मांग ली थी। महिलाओं की याचिका पर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण का आदेश पारित कर दिया गया था और इसीलिए आज ये माना जा रहा है कि एएसआई दोपहर 12 बजे का वो समय होगा जब अपनी रिपोर्ट इसमें दाखिल कर सके। इस खबर पर